बड़ी खबर इंदौर से ही, जहां इंदौर उज्जैन संभाग में गेहूं खरीदी शुरू हो गई है। 4 अप्रैल से भोपाल, जबलपुर सहित अन्य संभागों में खरीदी होगी। सोमवार से शुक्रवार के बीच गेहूं की खरीदी होगी। स्लॉट बुक होने के 3 दिन के भीतर खरीदी सेंटर पहुंचाना होगा गेहूं। ये बड़ी खबर, आपको बता दें, एक बड़ी सौगात इसे हम कह सकते हैं। जिस तरह से किसानों को तवज्जो देते हुए किसानों की भी मांग है, हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी किसान भाई परेशान ना हो, गेहूं की एक एक उपज, गेहूं की एक एक दाने को सरकार खरीदेगी। और इसी कड़ी में ये बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश के किसानों को इससे फायदा होगा। इंदौर उज्जैन संभाग में गेहूं की खरीदी आज से शुरू होने जा रही है। 4 अप्रैल से भोपाल, जबलपुर सहित अन्य संभागों में भी खरीदी शुरू हो जाएगी। उसके लिए थोड़ा जबलपुर भोपाल संभाग के किसानों को इंतजार करना होगा 4-6 दिन का। आज से इंदौर उज्जैन संभाग के किसान गेहूं बिक्री कर सकेंगे। हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी आकर्ष शर्मा का, हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। आकर्ष, मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि प्रदेश के किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार उनका एक एक दाना खरीदेगी। और अब तो मध्य प्रदेश के गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफी डिमांड हो गई है, जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है। उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली भी पहुंचे थे बैठक करने, क्या है जानकारी? जी दीपक, आपने सही कहा कि जिस तरीके से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसमें गेहूं के दाम, या खासकर बात करें भारत देश के और मध्य प्रदेश के, खासकर गेहूं के दामों में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। दूसरे देश बड़ी संख्या में भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत के गेहूं यहाँ से लिया जाए, और यही कारण है कि गेहूँ के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 40 रुपये ज़्यादा में जो है सरकार जो है वो गेहूँ खरीद रही। 2015 रुपये में गेहूँ जो है इस बार खरीदा जा रहा है किसानों से। और मध्य प्रदेश के मुखिया ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार जो किसान है मध्य प्रदेश को, उनको डरने की जरूरत नहीं, गेहूं का एक एक दाना जो है वो खरीदा जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बिसाऊ लाल सिंह की बात करें या सहकारी मंत्री अरविंद भदौरिया की बात करें, जिन्होंने जनसंपर्क विभाग में करीब 3 से 4 दिन पहले जब जानकारी दी थी, उन्होंने कहा था कि अभी तक हमने जो बुकिंग की है, स्टॉक बुकिंग ऑनलाइन तरीके से की है, क्योंकि पूरी तरीके से किसी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो, इसके चलते बायोमेट्रिक तरीका भी अपनाया जा रहा है। करीब 20 लाख जो है प्रदेश के, करीब 19,41,000 से ज़्यादा जो किसान हैं उन्होंने इस पे पंजीयन करा लिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दीपक एक सामने आ रही है कि जैसे ही सरकार ने अपने जो दाम हैं वो घोषित किए हैं गेहूं के, बाहरी बाजारों में, बाहरी मंडियों में जो है गेहूं अब ज़्यादा रेट में बिक रहा है, मतलब 2200 और 2300 तक गेहूं बिक रहा है। ये जरूर सरकार की चिंता बढ़ा सकती है कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम बढ़े हैं, ऐसे में सरकार ने जो अपने दाम घोषित किए हैं उससे अब मंडियों में ज़्यादा दाम पर गेहूं बिक रहा है। यही कारण है कि प्रदेश के जो बड़ी संख्या में किसान हैं वो सरकारी केंद्रों पर, करीब 43,000 सरकारी केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर जो पंजीयन कराना है ऑनलाइन तरीके से वो कम करा रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस बार सरकार जरूर बंपर तरीके से बड़ी संख्या में गेहूं खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को उस तरीके से दाम नहीं मिल रहे हैं। यही कारण है कि कम किसान इसमें पंजीयन करा रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस सब के बीच में किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि उनका जो पिछले सालों के मुकाबले गेहूं बिकता नहीं था, ऐसे में वो सरकार की तरफ देखते थे और लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी। लेकिन इस बार ये है कि मंडियों की बात करें या सरकारी केंद्रों की बात करें, दोनों ही जगह किसानों को बुलाया जा रहा है कि उनके जो गेहूं हैं उनको खरीदा जाएगा और बेहतर से बेहतर रेट उनको दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने आकर्ष, बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।